हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो ग्रेगर मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट्स यानी कि मटर के पौधे। अब देखिए, पी प्लांट्स अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हाइट के बेसिस पे दो तरह के हो सकते हैं, टॉल यानी कि लंबे और ड्वार्फ यानी कि छोटे। और क्योंकि मेंडल ने केवल एक फिजिकल कैरेक्टर को कंसिडर किया जो कि था प्लांट की हाइट को, इसलिए इस क्रॉस को बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें अब हम जीन्स भी कहते हैं, और वही फैक्टर्स प्लांट्स को ये टॉल कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ जीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टॉल कैरेक्टर टू द पी प्लांट, और इन जीन्स को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी, कैपिटल टी से। और सिमिलरली डॉफ कैरेक्टर को के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, यानी कि ड्वार्फ प्लांट का जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे ये डाउट आ सकता है कि हमने कैपिटल टी दो बार क्यों लिया या स्मॉल टी दो बार क्यों लिखा। देखिए, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पी प्लांट जो है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि इसमें क्रोमोजोम्स के दो सेट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप डिप्लॉयड और हैप्लॉयड टर्म्स के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो मेंडल ने लिया एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट और इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। तो ये हुई हमारी पैरेंटल जनरेशन। अब आपको तो पता ही है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर गैमीट्स बनते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जो टॉल प्लांट है वो दो गैमीट्स फॉर्म करेगा, और ये दोनों गैमीट्स क्या होंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। क्योंकि गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड, यानी कि इसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा ड्वार्फ प्लांट भी दो गैमीट्स फॉर्म करेगा जो होंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ये गैमीट्स होंगे एक दूसरे से फ्यूज और बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन को, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन। तो जब गैमीट्स फ्यूज होंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि पहला कैपिटल टी पहले स्मॉल टी से फ्यूज करेगा और मिलके बनाएगा एक पी प्लांट जिसके जीन्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरा कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी से फ्यूज करे, ऐसे में भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। ऐसे ही तीसरे और चौथे केस में, जिसमें पहला कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी से फ्यूज करेगा और दूसरा कैपिटल टी पहले स्मॉल टी से फ्यूज करेगा, इन केसेस में भी हमें सिमिलर ऑफस्प्रिंग मिलेगी जिनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स उन्हें मिले वो सारे के सारे फिजिकली टॉल थे। तो देखिए, जो फिजिकल कैरेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं फीनोटाइप, पी से फिजिकल, पी से फीनोटाइप। और जो जीन्स उस फिजिकल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन का फीनोटाइप मेंडल ने ऑब्जर्व किया वो था टॉल, और इस बात से ये कंक्लूजन निकला कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में प्रेजेंट होते हैं तो केवल कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और जो स्मॉल टी है वो बेचारा दबा रह जाता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। इस बात को मेंडल ने टर्म दिया डोमिनेंस, यानी कि कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी विच इज रिसेसिव। अब नेक्स्ट, मेंडल ने लिया F1 जनरेशन के दो प्लांट्स को और इन दोनों को क्रॉस करा दिया। तो मुझे ये बताइए कि इस केस में कौन से गैमेट्स बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल टी
और दूसरा बनेगा स्मॉल टी. सिमिलरली दूसरे प्लांट में भी कैपिटल टी स्मॉल टी. जब ये गैमीट्स फ्यूज होंगे तो ये बनाएंगे सेकेंड फिलियल जेनरेशन या एफ टू जेनरेशन. अब देखिए हम चीज़ों को और ज़्यादा सिंपल करते हैं और हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर को. तो ये बहुत ही इजी होता है प्यूनेट स्क्वायर बनाना. इसमें आपको सबसे पहले बनाना है एक स्क्वायर और लेफ्ट साइड में हम लिख देंगे पहले पेरेंट के गैमिट्स को. तो ये हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी और टॉप पे हम लिख देंगे दूसरे पेरेंट के गैमिट्स को कैपिटल टी स्मॉल टी. अब इन गैमिट्स को फ्यूज करेंगे तो सबसे पहले बॉक्स में हमें मिल जाएगा कैपिटल टी दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी तीसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में स्मॉल टी. ये तो हो गया F2 जनरेशन का जीनोटाइप. अब इनका फीनोटाइप कैसा होगा? पहला होगा टॉल, दूसरा होगा टॉल, तीसरा भी होगा टॉल और चौथा होगा ड्वार्फ. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, F2 जनरेशन का अगर हम फीनोटाइपिक रेशियो निकालें तो हमें क्या मिलेगा? तीन टॉल और एक ड्वार्फ, यही मिलेगा. यानी कि हम बोल सकते हैं कि F2 जनरेशन का फीनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1. और अगर हम बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की ऑफ द F2 जनरेशन तो वो क्या होगा? एक कैपिटल टी दो स्मॉल टी और एक स्मॉल टी यानी कि 1:2:1. एंड दैट इज इट अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. तो आपसे वो वीडियो और फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियोस मिस ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, या अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं. अंटिल देन स्टे क्यूरियस.